नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडस्ट्री एक्सपर्ट मीट चैनल में। यहाँ आपको करंट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, हम उसकी इंफॉर्मेशन लेके हम इंडस्ट्री के इंटरव्यू को कैसे क्रैक कर सकते हैं और कैसे एक फ्रेशर एज ए फ्रेशर हम इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में इस चैनल में अपडेट मिलता रहेगा आपको। और हम इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट को भी लेके आएंगे जो आपको गाइड करेंगे कि हमें इंडस्ट्री एज ए फ्रेशर एज ए एक्सपीरियंस हमें इंडस्ट्री कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ पे हम अपने नॉलेज को किस फील्ड के नॉलेज को गेन करके हम आगे जा सकते हैं, हम अपना जो इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं एक बेटर इंडस्ट्री। सो माय नेम इज विश्वजीत तिवारी, आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आई हैव डन एमटेक फ्रॉम एनआईटी दुर्गापुर। सो आप इस चैनल में सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी, पूरा पूरा इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्सपर्ट भी मिलेंगे, इसलिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए जिससे कि आप अपडेटेड रहें। अब आज मैं एक टॉपिक यहाँ पे कवर करूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैटरी सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। हम जब क्योंकि आज रिसेंटली जो करंट मार्केट है वो लिथियम आयन बैटरी का बहुत बड़ा मार्केट बन गया है, क्योंकि ईवी सेक्टर आ चुका है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सेक्टर आ चुका है, जहां पे हमें लिथियम आयन बैटरी, क्योंकि लेड एसिड बैटरी टोटली अब रिप्लेस हो रही है लिथियम आयन बैटरी और डिफरेंट टाइप ऑफ अदर बैटरी में। तो हमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का क्या मतलब है बैटरी में, ये हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं देखा जाऊं कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है मल्टीपल बैटरी टू अचीव द स्पेसिफिक वोल्टेज और कैपेसिटी, आइए टोटली जो यानी स्पेसिफिक वोल्टेज और कैपेसिटी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन होती है। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं कि जो ऑटोमोटिव सेक्टर होता है वहां पे हमें जो ज्यादातर जो आज की डेट पे सेल यूज होते हैं एनएमसी सेल यूज होते हैं। एनएमसी सेल की जो नॉमिनल वोल्टेज रेटिंग होती है 3.7 वोल्ट होती है और जो एएच कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, जैसे 3, 5 एएच। अगर हमें यदि बिकॉज वहां पे हमारे पास एएच कैपेसिटी कम होती है तो उस एएच कैपेसिटी, ये ऑटोमोटिव में बता रहा हूँ, जो ईवी व्हीकल आ रहे हैं कोई भी ओला की है किसी भी कंपनी की है, तो हमें अगर वहां पे अब वोल्टेज हमें एक डिजायर्ड वोल्टेज चाहिए जो हमारी लिमिट होती है कि 48 वोल्ट, 96 वोल्ट, 76 वोल्ट, जो भी हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, तो वो वोल्टेज अचीव करना हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गया। सेकंड रिक्वायरमेंट कि हमें अपने अपने व्हीकल को कितना रन कराना है, हमें कितना कैपेसिटी एड करना है, कितना किलोमीटर हम अगर हम एक सिंगल चार्ज करते हैं तो हमारा व्हीकल कितने किलोमीटर तक रन करें, तो वो उससे डिपेंड करता है कि हमारी बैटरी कैपेसिटी है। अब अगर हम सिंगल सेल देखें तो उसकी कैपेसिटी जो वोल्टेज है 3.7 और 5 pH है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब 5 pH हमारा एक पूरे व्हीकल को रन नहीं कर सकता है, तो हमें एक स्पेसिफिक वोल्टेज चाहिए और एक स्पेसिफिक कैपेसिटी चाहिए। देन दिस स्पेसिफिक वोल्टेज के लिए और कैपेसिटी के लिए हमें सेल को सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा। तो अगर मैं सीरीज कनेक्शन की बात करूं तो हम जो अगर जो सेल का पॉजिटिव और निगेटिव होता है तो अगर हम उसको सेल टू सेल अगर हम जोड़ते हैं, उसके हम सीरीज कनेक्शन करते हैं, जैसे कि यहाँ शो किया गया है ग्राफ में कि एक निगेटिव को हम दूसरे सेल के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, देन सेकंड निगेटिव को हम सब ऐसे कंटिन्यू यूनिट चलती रहती है, तो इस केस में जो हमारा जो बैटरी वोल्टेज होता है वो यानी बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे 12 वोल्ट और 12 वोल्ट था तो इक्विवेलेंट जो हो गया कि वोल्टेज जो है इंक्रीज हो गया 24 वोल्ट हो गया। लेकिन जो इसका यानी वोल्टेज क्या होता है, एडिटिव नेचर का होता है। यहाँ भी सेकंड लाइन में लिखा है कि वोल्टेज इस बैटरी से एडिटिव नेचर का हो जाता है, सम हो जाता है। और हम एक स्पेसिफिक जो हमें एप्लीकेशन के बेस पे है, एप्लीकेशन सच एज द इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम या पावर टूल कुछ भी है, हम उसके हिसाब से अपने डिजायर्ड वोल्टेज गेन कर सकते हैं।
यहाँ पे जो सीरीज कनेक्शन में जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो एएच कैपेसिटी होती है, जो बैटरी की कैपेसिटी होती है, हमेशा सेम होती है। तो अब मान लीजिए आप ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आप एक बैटरी बना रहे हैं। अब बैटरी में आप सिर्फ वोल्टेज बढ़ा लिए, मतलब कि यहाँ पे आपको सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप समझना पड़ेगा कि अच्छा, हमें किसी भी बैटरी की कैपेसिटी बढ़ाना है, वोल्टेज बढ़ाना है, तो हमें दोनों सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन जो सीरीज कनेक्शन में हो तो ईएच कैपेसिटी आपकी सेम है, ईएच कैपेसिटी नहीं बदल रही है। तो ये टोटल जो इक्विवेलेंट हो गए, ये 24 वोल्ट और 100 एएच हो गया। अब हम आते हैं पैरेलल कनेक्शन में। तो पैरेलल कनेक्शन में अगर 12 वोल्ट और 100 एएच है, और 12 वोल्ट 100 एएच है, तो ये जो सम होता है वो जो होता है कि वोल्टेज हमेशा जो पैरेलल में है वो सेम रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे जो होते हैं कि कैपेसिटी एडिटिव नेचर की हो जाती है। तो यहाँ पे कैपेसिटी एड हो गई कि इसकी 100 एएच प्लस इसकी 100 एएच, इसकी 200 एएच हो गई। अब मान लीजिए कि ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पे हमारे पास लोड बहुत ज्यादा है, जैसे कि जो होम हो गया, यूपीएस सप्लाई हो गई, बैकअप पावर के लिए अगर हम बीएसएस यूज कर रहे हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, वहां पे हमें सम टाइम जो चार्ज यानी चार्ज रेट की जरूरत होती है वो हमें ज्यादा होती है, तो ये हम वहां पे पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं। हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी यूज होता है और सेम हमें इसके लिए भी, लेकिन रिन्यूएबल के लिए हमें ज्यादा यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए ज्यादा करंट की, हमें लोड के हिसाब से ज्यादा करंट ड्रा करनी होती है, तो वहां पे हमें कैपेसिटी की ज्यादा जरूरत होती है, तो हम वहां पे पैरेलल कनेक्शन करते हैं। लेकिन अब जब हम यहाँ पे सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है कि जब हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो हमें ये भी मेक श्योर करना पड़ता है कि जो बैटरी वोल्टेज हो वो इक्विवेलेंट हो, लाइक 12 वोल्ट इसका है कि 12 वोल्ट दूसरी बैटरी का भी होना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास इम्बैलेंस वोल्टेज हो जाएगा, इम्बैलेंस वोल्टेज हो जाएगा तो वहां में भी सम सर्कुलेटिंग करेंट फ्लो हो, तो उस चीज को हमें देखना पड़ता है। मतलब स्टेट ऑफ एनी एसओसी जो है दोनों सेल की हमें मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये कुछ पैरेलल कनेक्शन करने से पहले हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये बैटरी का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और थैंक यू, आपने हमें ध्यान से सुना, और चैनल में अपडेट के लिए आप हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम सभी प्रकार की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जानकारी आपको देते रहेंगे कि आप इन चीज़ों को देखें, और इससे कि आप आसानी से एज ए फ्रेशर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होता है तो कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है वो हम आपको बताते रहेंगे। उसकी आप उसमें मेन फोकस कीजिए। आप जब पढ़ रहे हैं, बीटेक में है, एमटेक में है, उस टाइम पे आप उस चीज को मेन फोकस कीजिए और एक अच्छी आप जॉब ले सकते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन, बाय।